नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सोमवार को रक्षा संपदा विभाग के अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद अवैध अतिक्रमण वालों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू की। रक्षा संपदा विभाग के अधिकारियों ने सबसे पहले बंगला नंबर 50 में वैध कॉलोनी में एक मकान की कुर्सी हाइट तक निर्माण कर दिया था। विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए नवनिर्माण मकान को बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया। इसके बाद अमला खान कॉलोनी पहुंचा, जहां पर नवनिर्मित का कार्य चल रहा था, जिसे तोड़ते हुए उसका मलबा भी जब्त किया गया। इस कार्यवाही का आरोप है कि हमने नियम के मुताबिक रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमले ने अवैध अतिक्रमण के नाम पर नवनिर्मित मकान को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उक्त भूमि रक्षा संपदा अधिकार के अधीनस्थ है तो रजिस्ट्रार के नियमों के तहत रजिस्ट्री कर रहा है। यदि रजिस्ट्री अवैध रूप से हो रही है तो करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए।